वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले ट्वेंटी सेकेंड जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो so, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट आपको अपडेट्स मिले जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ ठीक है सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ

That is International Trade Union Confederation is the organization to which India ranked among ten worst countries for working people. Okay, so next question to move. Karte. How much loss? will be incurred in the tourism sector because of the four month lockdown due to covid-19 as per UNCTAD report so hame ye batana hai ki kitna matlab loss jo hai wo incurred hua hai tourism sector mein aur ye kis ki wajah se incurred hua hai because of a four month lockdown jo ki covid-19 ki wajah se hua tha as per UNCTAD report. रिपोर्ट ठीक है सो so, ये जो report release की है ये release की है UNCTAD report. रिपोर्ट ठीक है so, कितना loss जो है वो incurred हुआ है दैट इज वन पॉइंट टू ट्रिलियन जो है लॉस विल बी इंकर्ड इन द टूरिज्म सेक्टर बिकॉज ऑफ द फोर मंथ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड नाइनटीन एज पर यू एन सी टी एडी रिपोर्ट ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हु न्यू नॉवल द एंड गेम विथ टॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स विथ थ्रिल एंड अन इमेजिनेबल टेरर सो हमें यह बताना है कि किसने ऑथर की है ये बुक सॉरी नॉवल जिसका नेम है द एंड गेम ठीक है सो so, किसने ऑथर की है ये नॉवल एस हुसैन जेदी ने ये नॉवेल को ऑथर किया है जिसका नेम है द एंड टॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स पेट्रियल एंड अन इमेजिनेबल टेरर ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च नवीन रोजगार छत्री योजना फॉर एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट सो so, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है नवीन रोजगार छत्री योजना और ये किसने लॉन्च किया है फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट सो कौन सी स्टेट ने ये बेसिकली लॉन्च किया है दैट इज उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया नवीन रोजगार छत्र योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सो तो सी एम कौन है योगी आदित्यनाथ गवर्नर इज़ आनंदीबेन पटेल जिनको अभी एडिशनल चार्ज भी मिला है मध्य प्रदेश के गवर्नर का अगर हम यूपी की बात करें कि न्यूज़ में क्यों है एक तो ये न्यूज़ में इसलिए एक तो इन्होंने लॉन्च की थी पूल टेस्टिंग जिससे ये आ, मतलब जो कोविड नाइन्टीन पेशेंट है उनका सैम्पल ले सके जो कि अप्रूव किसने किया था आई सी एम आर ने अप्रूव किया था ठीक है सो इसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश न्यूज़ में है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च अ न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोल्ड नवीन रोजगार छत्री योजना द गवर्नमेंट हैज़ सेट द टारगेट ऑफ बेनिफिटिंग हाउ मेनी फैमिलीज अंडर द अम्ब्रेला स्कीम इन ट्वेंटी 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 वन सो हमें ये बताने कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की है न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम जिसका नेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके दैट इज़ नवीन रोजगार छत्री योजना सो गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बेनिफिटिंग सो गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट वो कितनी मतलब फैमिलीज को जो है बेनिफिट पहुंचाएंगे इस स्कीम के अंडर सो so, कितनी फैमिलीज होंगी इसके अंदर दैट इज सेवन पॉइंट फाइव लैक ठीक है सो so, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्कीम कॉल्ड नवीन रोजगार छत्री योजना द गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ बेनिफिटिंग सेवन पॉइंट फाइव लैक फैमिली अंडर द अम्ब्रेला स्कीम इन ट्वेंटी 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 सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हो विल होस्ट द ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया आइडियाज समिट ऑन जुलाई ट्वेंटी सेकेंड सो हमें बताने की कौन होस्ट करने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया आइडियाज समिट ऑन जुलाई ट्वेंटी सेकेंड सो कौन होस्ट करेगा दैट इज यू एस इंडिया बिजनेस काउंसिल विल होस्ट द ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया आइडियाज समिट ऑन जुलाई ट्वेंटी सेकेंड ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हु हैज़ वोन द ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी द फर्स्ट रेस टू डिले द फॉर्मूला वन सीजन सो हमें यह बताना है कि किसने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि फ़र्स्ट रेस रेस थी जो कि डिले हो गई थी द एफ वन सीजन ठीक है सो so, किसने जीता है ये दैट इज़ वेल्थ्री बोटास ने यह ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीती है ट्वेंटी ट्वेंटी द फर्स्ट रेस टू डिले द एफ वन सीजन ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सो इंटरनेशनल चेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल सो so, कब सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज ट्वेंटी जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे ठीक है सो इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी एट जुलाई ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लेड आईसी सी क्रिकेट कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द बैन ऑन यूसेज ऑफ सेलाइवा सो हमें ये बता रहे हैं कि कौन से फॉर्म इंडियन क्रिकेटर आई सी सी क्रिकेट कमिटी ने रिकमेंड किया है बैन किया है मतलब यूसेज ऑफ सेलाइवा सो वो कौन है दैट इज अनिल कुम्बले फॉर्म इंडियन क्रिकेटर लेट आई सी सी क्रिकेट कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द बैन ऑन यूसेज ऑफ सेलाइवा ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं वॉट इज़ द इंटरनेशनल चेस्ट डे मोटो फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सेलिब्रेशन सो क्या है इंटरनेशनल चेस्ट डे का मोटो फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सेलिब्रेशन सो क्या है दैट इज टीच सम वन हाउ टू प्ले चेस मतलब किसी को टीच करना कि कैसे खेला जाता है चेस इज़ द इंटरनेशनल चेस्ट डे मोटो फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस्ट डे दैट इज ट्वेंटी जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस्ट डे ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं न्यू एंड्रॉयड मालवेयर हैज बिन डिस्कवर्ड दैट स्टील्स डेटा सच एस पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्राम थ्री थर्टी सेवन एप्स वॉट इज द नेम ऑफ द मालवेयर सो एक न्यू एंड्रॉयड मालवेयर है जिसे बोलते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि डिस्कवर किया गया है जो कि क्या चुराता है डेटा चुराता है सचेज पासवर्ड मतलब सेंसिटिव डेटा जो होता है जिसके अंदर हो पासवर्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और ये जो थ्री थर्टी सेवन एप्स है ना वहाँ से मतलब बेसिकली ये डेटा चुराता है ठीक है मेलिशियस सॉफ्टवेयर सो व्हाट इज द नेम ऑफ द मालवेयर सो मैं इस मालवेयर का नेम बताना है सो so, क्या है नेम दैट इज़ ब्लैक रॉक इज द नेम ऑफ आ मेलिशियस सॉफ्टवेयर आ न्यू एंड्रॉइड मालवेयर हैज़ बिन डिस्कवर्ड दैट इस चीज डेटा सर्चे पासपोर्ट एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्राम थ्री थ्री थर्टी सेवन एप्स सो नेम जो है इस मालविया का दैट इज़ ब्लैक रॉक अगर हम मालविया की फॉर्म देखें दैट इज मलेश सॉफ्टवेयर ठीक है वेस्ट मोबाइल सिक्योरिटी फॉर्म discovered a new Android malware that steals data such as पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम T37 थर्टी सेवन एप्स सो हमें ये बताना कि कौन सी मोबाइल सिक्योरिटी फॉर्म है जिसने बेसिकली डिस्कवर किया है अ न्यू एंड्रॉयड मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि स्टील करता है डेटा जिसके अंदर हो गया पासवर्ड हो गया क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्राम थी थर्टी सेवन एप्स तो वो कौन सी मोबाइल सिक्योरिटी फॉर्म है दैट इज थे फेब्रिक इज अ नेम ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी फॉर्म डिस्कवर्ड अ न्यू एंड्रॉइड मालवेयर दैट इज डेटा सच इज पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्राम थ्री थर्टी सेवन ऐप्स ठीक है प्रकाश जावेदकर हैज हेल्ड विश मोबाइल ऐप एज अ यूनिक टूल टू वर्ज द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टोर्टल समय पता नहीं कि प्रकाश जावेडकर ने कौन सी मोबाइल ऐप को बुलाया एज अ यूनिक टूल टू वर्ज अ कंजर्वेशन ऑफ अवर इंडियन टोर्टल सब कौन सी मोबाइल ऐप है दैट इज कर्मा इज द नेम ऑफ अ मोबाइल ऐप अ यूनिक टूल टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स अगर प्रकाश जावेडकर की बात करें तो so ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ठीक है और इनकी जो कॉन्स्टिट्य महाराष्ट्र पे मूव करते हैं यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल इनोग्रेटेड जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड थ्रू आ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सो वेयर इट इज लोकेटेड सो हमें ये बताना है कि हरस हरसिमरत कौर बादल ने इनाग्रेट किया है जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू बेसिकली लॉन्च किया गया है मतलब इनाग्रेट किया गया है सो so, हमें ये बताना कि ये जो मेगा फूड पार्क है जोराम मेगा फूड पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है सो so, कहाँ पर लोकेटेड है दैट इज़ मिजोरम में ये लोकेटेड है जो कि इनाग्रेट किया है हरसिमरत कौर बादल ने जो कि यूनियन फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है ठीक है सो हाउ मच हैज़ बिन अप्रूव फॉर द सेंट्रली इस्पर्ड प्रधान मंत्री स्कीम फॉर फॉर्मिलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस ईयर सो कितना प्रूव किया है फॉर द सेंट्रली इस्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री स्कीम के लिए फॉर फॉर्मिलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज फॉर फाइव ईयर्स सो कितना प्रूव किया गया है दैट इज टेन थाउजेंड करोड़ सो टेन थाउजेंड करोड़ हैज़ बिन अप्रूव फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री स्कीम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस फॉर फाइव ईयर्स ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट रिन्यक्सपोर्ट पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी रिसेंटली सो कौन सी स्टेटी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है रीनिवेबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी ट्वेंटी रिसेंटली सो वो कौन सी स्टेट या दट इज आंध्र प्रदेश इज ने स्टेट गवर्नमेंटल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी रिसेंटली ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द यू एस इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप वॉज हेल्ड रिसेंटली सो कौन सा एडिशन जो था मिनिस्ट्रियल मीटिंग का ऑफ द यू एस इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो कि हेल्ड किया गया था रिसेंटली और जो कि को चेयर किया था धर्मेंद्र प्रधान ने एंड जैन ब्रॉयलिट ने ये बेसिकली क्या किया था को चेयर किया था सो so, कौन सा एडिशन था ये दैट इज सेकेंड एडिशन था ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग का ऑफ द यू एस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप वॉज हेल्प रिसेंटली को चेयर बाय धर्मेंद्र प्रधान एंड डैन ब्रो यूलेज ठीक है ब्रो यूलिज ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इंडिया प्लान टू क्रिएट इट फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल इन विच कंट्री सो इंडिया प्लान कर रही है क्रिएट करने का फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल कौन सी कंट्री में सो वो कौन सी कंट्री में प्लान कर क्रिएट करने का दैट इज यूनाइटेड स्टेट इज द नेम ऑफ अ कंट्री जो कि इंडिया प्लान करिएट इट फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाएटेड स्टेट की बात करें सो कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी इज डॉलर सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अनाउंस इट्स इंटीग्रेशन विद ने लीडिंग एंटरप्राइज सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेस टू बूस्ट इट्स कस्टमर इंगेजमेंट हमें ये बताने की कौन सा बैंक जो है अनाउंस कर रहा है इंट्रीग्रेशन अपना सी आर एम नेक्स्ट के साथ जो कि एक लीडिंग एंटरप्राइज सोल्यूशन प्रोवाइडर है बैंक के लिए एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे वो बूस्ट करेगा इट्स कस्टमर इंगेजमेंट से वो कौन सा बैंक है That is, Bank, जो है इंटीग्रेशन अपना सीआरएम नेक्स्ट के साथ जो कि एक है, के लिए एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू बोस्ट इट्स कस्टमर इंगेजमेंट अगर हम बात करें इंडसलैंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है सो so, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वेयर हेल्थ एन विलेज इंडस्ट्री कमीशन ओपन द फर्स्ट ऑफ एड्स का मार्जिनलाइज कम्युनिटी ऑफ लेदर आर्टिशंस तो हमें यह बताना है कि खाद्यम विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने कहाँ पर अपना फर्स्ट ऑफ एड्स कांस फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर जो है मतलब वो खोला है जिसे वो ट्रेन करेंगे मार्जिनलाइज कम्युनिटी ऑफ लेदर आर्टिशंस सो कहाँ पर खोला है दैट इज डेली में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ओपन किया है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फूड ट्रेनिंग सेंटर अगर हम दिल्ली की बात करें सीएम कौन है अरविंद केजरीवाल गवर्नर इज अनिल बैजाल अगर हम बात करें इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था फाइव टी प्लान लॉन्च किया था ऑपरेशन शिल्ड लॉन्च किया था डेली कोरोना जो कि बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगी अवेलेबिलिटी बताएगी बेड्स एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबल इन डेली सो तो बेसिकली ये एक ऐप है ठीक है सो तो ये सब लॉन्च किया है डेली की गवर्नमेंट ने जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं where इन महाराष्ट्र is अ healthcare service सर्विस your योर डोर स्टेप इनिशियेटिव लॉन्च टू the द spread of ऑफ़ कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक्स समय बताने कि कहाँ पर महाराष्ट्र में ये जो हेल्थ केयर सर्विस है एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसे वो बचा सके फर्दर इस्प्रेड होने से कोविड नाइन्टीन पैंडमिक सो कहाँ पर यह बेसिकली लॉन्च किया गया है दैट इज़ नासिक सो so, नासिक में मतलब महाराष्ट्र में नासिक में ये बेसिकली लॉन्च किया गया है हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव लॉन्च टू कब द फॉर दाइनटीन पेंडेमिक्र की बात करें कौन है? गवर्नर इज भगत कोश्यारी और महाकवच किया था, था म्यूनिपल कार्पोरेशन ने और क्या था मी अर्नो पूना फॉर फार्मेयर सो ये सब किसने लॉन्च किया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं Which state government has included transgender अंडर मधु बाबू पेंशन योजना सो so, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है ट्रांसजेंडर अंडर मधु पेंशन योजना सो so, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज उड़ीसा इज द नेम ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर अंडर मधु बाबू पेंशन योजना ठीक है अगर उड़ीसा की बात करें सी एम कौन है नवीन पटनायक गवर्नर इज गणेशी लाल और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है मोजीवल लॉन्च किया था मो प्रतिप कैंपेन लॉन्च किया था उड़ीसा की गवर्नमेंट ने हु हैज बिन अपॉइंटेड द एम डी एन सी ई ऑफ एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेडेड सो हमें ये बताना है कि किस को अपॉइंट किया है एम डी एन सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ एस बी आई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का सो so, किस को अपॉइंट किया है दैट इज अश्वनी कुमार तिवारी को अपॉइंट किया गया है एज द एम डी एन सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ एस बी आई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज सर्विसेज लिमिटेड का जो कि इफेक्ट होगा अगस्त वन ट्वेंटी ट्वेंटी से ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं What is India's rank in the global direct selling industry list as per 2019 report released by World Federation of Direct Selling Association? एसोसिएशन so, हमें ये बताना है कि क्या है इंडिया की रैंक इन द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिस्ट जो कि है एज पर ट्वेंटी नाइनटीन रिपोर्ट जो कि रिलीज की है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने सो so, क्या है इंडिया की रैंक दैट इज फिफ्टीन है इंडिया की रैंक इन द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिस्ट

सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो थैंक यू गाइजन